दोस्तों, होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई, ये जो आज का लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर आईआईटी जेई के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। भाई, इसमें सारे क्वेश्चन हम किससे करेंगे? आईआईटी जेई वाले से करेंगे। समय आईआईटी जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं मैं उसको आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। ठीक हो गया भाई? इससे पहले मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन करवाए हैं वो नीट से हैं भाई, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना आईआईटी जेई के लिए ही बना दी जाए भाई। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। देखो पहले वाला क्वेश्चन क्या है, पहले वाला क्वेश्चन, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखो भाई। ये वाला, ये 2010 में मेंस में आया हुआ है भाई, जेई में। और ये दूसरा वाला भी 2010 में आया हुआ है भाई। दोनों क्वेश्चन 2010 में आईआईटी जेई में आए हुए हैं भाई। देखो भाई, तो ये जो छठा वाला क्वेश्चन है वो है, द स्पीसीज विच बाई डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन। देखो भाई, उसने बोला है हमें ऐसा एटम, हमें ऐसा स्पीसीज बताना है कि जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या हम उसको बोले स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या होती है? जीरो होती है। तो देखो भाई, बात किस चीज की कर रहे हैं? बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत ध्यान से देखना भाई। देखो भाई, अगर कोई चीज अपनी रेफरेंस स्टेट में है, रेफरेंस स्टेट का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में, जैसे मुझे घर में रहना बहुत पसंद है तो वो मेरी क्या है? रेफरेंस स्टेट है। अगर मैं कहीं ऑफिस में काम करने जाता हूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा बोरिंग फील होने लगता है, ठीक हो गया? तो वो मेरी क्या है? एक्साइटेड स्टेट है, एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ। वो मेरी रेफरेंस स्टेट नहीं है, मैं वहां पे अच्छा फील नहीं करता हूँ। तो रेफरेंस स्टेट का मतलब होता है जो उस चीज की पर्टिकुलर स्टेट हो। समझा भाई? अगर कोई चीज अपनी रेफरेंस स्टेट में है, किसमें है? रेफरेंस स्टेट में है। इस रेफरेंस स्टेट को क्या भी बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट। तो देखो भाई, इसको क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड स्टेट भी बोलूंगा, स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक हो गया भाई? अब देखो, जो चीज अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है या रेफरेंस स्टेट में है, समाया, उसको बनने की जरूरत नहीं होती है, समाया। इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है? जीरो होती है, समाया भाई। जैसे मैंने बोला H2, समाया भाई, H2 गैस, मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। अरे भाई, H2 ऑलरेडी बना हुआ है नेचर में, वो H2 के ही रूप में जाकर के एग्जिस्ट करता है। तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी जीरो। क्या होगी? जीरो। अब मैंने बात की O2, O2, अरे भाई O2 पहले से बना है, पहले से बना है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या होगी? जीरो होगी। समाया? सिमिलरली, सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मेरे पास है Br2। क्या है? Br2 किस स्टेट में दे रखा है? गैसियस स्टेट। अरे भाई, Br2 जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसकी जो रेफरेंस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है। देखो भाई, मैंने क्या किया होगा, मेरे पास Br2 होगा लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में भाई? लिक्विड स्टेट में। और ये कन्वर्ट हुआ होगा गैसियस स्टेट में, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी तरह से जीरो तो नहीं हो सकती है भाई, किसी भी तरह से जीरो तो नहीं हो सकती है। समाया? अगला है H2O। अरे भाई, जो H2O है उसकी रेफरेंस स्टेट गैसियस स्टेट नहीं है, उसकी जो रेफरेंस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है। समाया भाई? तो इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जीरो नहीं होगा। समाया भाई? अगला जो एग्जाम्पल है वो है CH4। समाया भाई? तो इसका मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है? मुझे CH4 बनाना है, 1 मोल ऑफ CH4 बनाना है, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन, और किससे बनेगा? हाइड्रोजन से बनेगा। समाया भाई? तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? 2, और कार्बन कितने लेंगे? 1। ये कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होता है भाई, ग्रेफाइट। क्यों ग्रेफाइट फॉर्म में होता है? क्योंकि कार्बन की सबसे स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो होती है ग्रेफाइट। क्या होती है भाई? ग्रेफाइट। कार्बन जो है वो नॉर्मली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समाया? एक को बोलते हैं ग्रेफाइट, समाया, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, उसका छोटा भाई ग्रेफिन भी बोल सकते हैं उसे। समाया? ग्रेफाइट मल्टी लेयर होती है, ग्रेफिन जो होती है सिंगल लेयर होती है, ठीक हो गया? दूसरा है डायमंड। दूसरा क्या है? डायमंड। और तीसरा है बकमिस्टर फुलरीन। लेकिन कार्बन की जो सबसे स्टेबल स्टेट है, जो कार्बन की सबसे स्टेबल स्टेट है वो क्या है? वो है ग्रेफाइट। इसलिए इसलिए मुझे 1 मोल CH4 बनाना है। समाया? और वो 1 मोल CH4 किससे बनना चाहिए? इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से? ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। और इसका मैंने आपको एक पर्टिकुलर रूल बताया था कि जो एलिमेंट है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन,
अपनी रेफरेंस फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए समा, यानी कि कार्बन की जो फॉर्म होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, ग्रेफाइट फॉर्म होनी चाहिए। क्या फॉर्म होनी चाहिए? ग्रेफाइट। और हाइड्रोजन किस में होना चाहिए? H2 गैसियस फेज में। किसमें भाई? H2 गैसियस फेज में। तो तब मैं बोलूंगा जब मैंने एक मोल CH4 बनाया इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो कि अपने रेफरेंस स्टेट में है, जो कि अपने रेफरेंस स्टेट में है, तो रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज आया दैट एंथैल्पी चेंज इज नोन एज मोलर, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझा भाई? एग्जैक्टली करेक्ट हो गया होगा। तो इट मींस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो जो आंसर आया है भाई वो आंसर कौन सा आंसर सही हो गया है? Cl2। याद रखना जो Cl2 है उसकी रेफरेंस स्टेट ही Cl2 गैसियस है। समझा भाई? और जब आदमी अपने रेफरेंस स्टेट में अपने घर में है समय, तो उसे बनने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा भाई? जीरो। तो छठा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा Cl2। क्या हो जाएगा? Cl2। एक बात नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब अगर एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है समाया, हैव जीरो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक हो गया भाई? अगर कोई भी एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है या रेफरेंस स्टेट में है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। समाया क्यों होगा? अगर वो चीज भाई नेचर में उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको बनाने की जरूरत क्या है भाई? समय उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी ही जीरो होगा। तो छठा क्वेश्चन सॉल्व। सातवां क्वेश्चन देखो भाई, अरे भाई ये तो गजब ही क्वेश्चन पूछ दिया, गजब ही क्वेश्चन। देखो भाई लेवल देखो, उसने तो बिल्कुल ही ऐसा सटीक, मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ दिया। उसने बोला जो सीसी सिंगल बॉन्ड है, सीसी सिंगल बॉन्ड है भाई, उसकी बॉन्ड एनर्जी बतानी है, उसकी क्या बतानी है? बॉन्ड एनर्जी बतानी है। अरे भाई ये तो गजब ही क्वेश्चन है। देखो ऐसे न्यूमेरिकल तो मे भी मुझे लग रहा है कि जो बिल्कुल रट्टा मार होगा, बिल्कुल रट्टा मार होगा उसी को याद होगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन। समाया चलो तभी भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं भाई। देखो भाई गजब क्वेश्चन है बिल्कुल ही। देखो क्या बोला है सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बता दो। अरे भाई ऐसे न्यूमेरिकल याद ही नहीं रहते हैं, ऐसी चीजें तो याद ही नहीं रहती है समाया। तो हम एक क्या कर लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे। आज भाई सिंगल बॉन्ड पूछा है तो कल वो डबल बॉन्ड भी पूछेगा, और अगर कल डबल बॉन्ड पूछ दिया तो परसों वो ट्रिपल बॉन्ड भी पूछेगा। तो हम सब एडवांस में करके रख लेते हैं भाई समाया, क्योंकि हम लोगों को रैंक से मतलब है, रैंक से मतलब है भाई। एग्जाम क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, अगर आपने ये लेक्चर्स बिल्कुल अच्छे से देख दिए तो एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। उसके लिए मैंने रैंक बूस्टर सीरीज बनाई है, आपको जाना है एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है और सबके हैंड रिटन नोट्स पढ़ना है भाई समाया, क्योंकि आपने अगर एक बार वीडियो देख दी तो कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले नर्सों समाया भाई आप भूल जाओगे समाया। लेकिन जो साथ जाएगा वो क्या जाएगा? केवल नोट्स जाएगा समाया, बार बार वीडियो नहीं देखते रहोगे। तो वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। तो देखो भाई कार्बन सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछ रखी है भाई समाया, गजब क्वेश्चन पूछ रखा है। तो जो सीसी बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है? 350 किलो जूल मोल इनवर्स। समाया डबल बॉन्ड जो है वो क्या होता है? 610 किलो जूल मोल इनवर्स समाया। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होता है 840। कितना होता है? 840 किलो जूल मोल इनवर्स। समाया भाई अब देखो रटने का तरीका, अगर यहां से यहां जाऊंगा तो कितनी एनर्जी बढ़ रही है? 260 समाया। और अगर मैं डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड जा रहा हूं तो यानी कि 230 समाया। तो नियर अबाउट लगाना, अगर सिंगल से डबल गए तो डबल हो गया, लेकिन अगर डबल से ट्रिपल बॉन्ड गए तो केवल 200 के समथिंग ही एनर्जी इंक्रीज हुई भाई समाया भाई। तो देखो ऊपर आंसर क्या बनेगा समाया भाई, ये जो 350 है इसको राउंड फिगर करो समाया, तो राउंड फिगर क्या आएगा? यहाँ पे दो ही चीजें हैं, या तो क्या हो सकता है 100 और या तो क्या हो सकता है 1000 समाया भाई। जो भाई 350 है, अब तो ये इन मिडल है, क्या लोगे, 1000 लोगे या 100 लोगे? तो मैं 100 की तरफ को मूव करूंगा समाया भाई, 1000 की तरफ को मूव नहीं कर पाऊंगा, राउंड फिगर लूंगा राउंड फिगर। तो जो ऑप्शन आ जाएगा सातवें वाले का, अप्रोक्सीमेटली देने को बोला है ना, तो याद रखना 350 है वो किसके करीब है? वो 100 के करीब है। तो मैं आंसर किसकी तरफ को जाऊंगा? 100 के करीब को जाऊंगा। ठीक हो गया? तो जो आंसर आएगा वो आंसर सी जो है वो एग्जैक्टली सही हो जाएगा। देखो भाई चीजों को देख रहे हो कितनी बारीकी से वो एग्जामिनर क्वेश्चन को ला रहा है, उसने सीसी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछ दी है भाई समाया। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो,
देखो ये क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन है भाई, एडवांस तभी तो एडवांस में आया है, तभी तो एडवांस में आया है भाई। तो देखो ये 22 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समाया। अगर अगर इस क्वेश्चन को ढूंढना है तो देखो जो पुरी शर्मा पठानिया है उसका 759 वाला पेज खोल लेना, एग्जैक्टली मिल जाएगा भाई, एग्जैक्टली मिल जाएगा समाया। ये मैंने रटा नहीं है, ये मुझे पता है एक बार जब मैंने बीएससी में पढ़ा था। देख रहे हो ये कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो गया है। तो देखो भाई जो क्वेश्चन है वो 2013 में एडवांस में आया हुआ है भाई, एडवांस में। याद रखना ये 12th लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के भगवान बन जाओगे। तो देखो देखो भाई इतने छोटे स्तर पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करना भाई आसान बात नहीं है, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है समाया, ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है तुम्हारे पास एक बेंजीन है समाया और दूसरा क्या है नेफ्थलीन है, दोनों एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन। और टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर। केमिस्ट्री में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है समाया। तो बोल रहा है फॉर दिस प्रोसेस द स्टेटमेंट इज एंड आर आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है भाई? तो देखो भाई सबसे पहले बोला है डेल जी इज पॉजिटिव, दूसरा बोल रहा है डेल एस ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, डेल एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 और डेल एच इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है। क्या बोला वो टॉपिक? क्या बोला? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन नेट और गेट लेवल का है समाया। आदमी को देख रहे हो उसने क्या क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जेई के लिए समाया, नेट और गेट लेवल का क्वेश्चन है भाई ये, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो भाई एक पिक्चर अज्यूम करो समाया, एक पिक्चर क्या करो, अज्यूम करो। देखो मैंने बोला मेरे पास है ए और दूसरा क्या है बी समाया, अब दोनों मिलकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे भाई? आइडियल सॉल्यूशन समाया। अब आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसने बोला डेल जी ऑफ मिक्सिंग समाया, क्या हुआ मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन के फ्री एनर्जी में क्या चेंज आया, डेल एस ऑफ मिक्सिंग उसमें क्या चेंजेस आए, डेल एच ऑफ मिक्सिंग अरे भाई उसमें क्या चेंजेस आए, और डेल वी ऑफ मिक्सिंग समाया उसमें क्या चेंजेस आए। इसको इतनी ही बात नहीं पची भाई, उसने आगे भी लिखा है। क्या लिखा है? डेल एस ऑफ सराउंडिंग क्या है, डेल एस ऑफ सराउंडिंग क्या है समाया भाई। बहुत मतलब डीप लेवल का क्वेश्चन पूछ रखा है भाई समाया, जेई से तो इसने लेवल ही पार कर दिया है मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो डेल एच मिक्सिंग क्या हो गई? 0। डेल वी मिक्सिंग क्या हो गई? 0। याद रखना भाई ये मैं सारी चीजें प्रूव नहीं करवा पाऊंगा इस टाइम पे, याद रखना। डेल जी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है इसका मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ, वो फॉर्मूला होता है आर टी समेशन एक्स आई एल एन एक्स आई समाया। जो एक्स आई होता है वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है समाया। एक्स आई क्या है? मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। एस आई क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन है। तो मैंने क्या बोला था, हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट है, उसने आइडियल सॉल्यूशन बना रखा है, तो इट मींस ए के कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे, बी के कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे और वो दोनों ऐड करके कितना देंगे? 1 देंगे। तो इट मींस ये भी एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। क्या है? फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। और एक्स बी भी क्या है? एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। क्या है भाई? फ्रैक्शनल क्वांटिटी है समाया, फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। तो देखो भाई अगर एल एन का मतलब होता है लॉग, लॉगरिथमिक लोगे भाई फ्रैक्शनल क्वांटिटी का, फ्रैक्शन का समाया, तो वो हमेशा क्या आता है? निगेटिव। क्या आता है भाई? निगेटिव आता है समाया। तो डेल जी मिक्सिंग क्या हो गई? वो तो हो गई निगेटिव। क्यों हो गई निगेटिव? क्योंकि इसमें एल एन में क्या है? एक्स आई है। तो एक्स आई एल एन एक्स आई का मतलब क्या होता है? ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है एक्स आई, तो इट मीन्स वो निगेटिव आएगा। देखो भाई अब बात करते हैं डेलस मिक्सिंग की। किसकी बात करते हैं? डेलस मिक्सिंग की। तो देखो भाई डेलस मिक्सिंग में क्या है, डेलस मिक्सिंग का जो फॉर्मूला होता है वो है आर टी एन आई समाया और समेशन एल एन एक्स आई, ये होता है भाई समाया भाई। देखो और इसके आगे यहाँ पे निगेटिव आता है। क्या आता है? निगेटिव। तो देखो भाई
ये तो आप लोग अपने आप बता दोगे, ये तो आप लोग अपना बता दोगे भाई, इतना इंटेलिजेंट आप लोग हो गए हो समाया। तो देखो सबसे पहले बात कर रखी है एक्स आई की, किसकी बात कर रखी है एक्स आई समय। एल एन एक्स आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, और आगे ऑलरेडी एक निगेटिव है, और निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर के डेल एस मिक्सिंग को क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे समाया। तो देखो भाई आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, क्या सॉल्व हुआ है, डेल जी है वो क्या आ गया नेगेटिव, क्या आ गया भाई नेगेटिव, डेल एस जो है वो आ गया भाई आपका पॉजिटिव, ठीक हो गया। बात करेंगे डेल एच की तो वो आ गया जीरो, तो बताओ भाई कितने ऑप्शन वैसे सही हो गए, एक ऑप्शन हो गया ये, एक ऑप्शन हो गया ये, और एक ऑप्शन हो गया ये, तो यानी कि डेल जी जो पॉजिटिव है ए वाला तो हो गया गलत समय, डेल एस ऑफ सिस्टम ये हो गया पॉजिटिव और डेल एच इज इक्वल टू जीरो, तो अभी आंसर बी और डी बना हुआ है भाई समाया। लेकिन लेकिन डेल एस ऑफ सराउंडिंग क्या है भाई समाया, डेल एस ऑफ सराउंडिंग पूरी कायनात ही बदल दी भाई इस क्वेश्चन ने। तो देखो 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 क्या करेंगे हम इसके लिए, देखो भाई अब उसने पूछ दिया है डेल एस ऑफ सराउंडिंग, अभी तो डेल एस ऑफ सिस्टम चल रहा था ठीक हो गया, यहाँ पे डेल एस ऑफ मिक्सिंग मैंने निकाल दी थी, अब भाई उसने पूरी कायनात ही पलट दी इस क्वेश्चन की, उसने पूछ दिया डेल एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा समाया, अब नेट और गेट लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चन इसने पूछ दिया ये। तो देखो देखो हर किसी का तोड़ है भाई, हर किसी चीज का तोड़ है, डेलस ऑफ सराउंडिंग जो होता है, डेलस ऑफ सराउंडिंग जो है वो क्या होता है, वो होता है डेल एच माइनस डेल एच बाई टी ऑफ सराउंडिंग समाया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है समाया। तो बस ये क्वेश्चन 5 नंबर का था भाई समाया, 5 नंबर अगर आपके एक्स्ट्रा आ गए तो याद रखना रैंक कहां से कहां पहुंच जाएगी भाई समाया, 1 नंबर में ही 10,000 रैंक ऊपर हो जाती है। तो देखो भाई तो क्या आ गया डेलस ऑफ सराउंडिंग, डेलस ऑफ सराउंडिंग कितना आ गया भाई, डेलस ऑफ सराउंडिंग आ गया है 0/t, क्योंकि डेलच ऑफ मिक्सिंग कितना था, 0 था, तो डेल एस सराउंडिंग कितना हो गया है, डेलस सराउंडिंग हो गया है तुम्हारा 0, क्या हो गया भाई 0, तो इट मींस आपका ऑप्शन सी भी सही है भाई समाया। तो ऑप्शन बन गया बी डी और सी समाया। देख रहे हो भाई क्वेश्चन का लेवल, एडवांस में 2013 की बात बता रहा हूं, उस टाइम पे ये क्वेश्चन चल रहे थे, तो देखो प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है समाया। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल कितना ज्यादा बढ़ रहा है भाई, कितना ज्यादा समाया, 2013 में अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है 2024 आ गया है, तो अब क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन हो गए, आसान क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं भाई समाया। देखो भाई अब कुछ आसान क्वेश्चनों की तरफ को चलते हैं समाया, 2003 में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, मेंस में एक ही नंबर के क्वेश्चन है भाई ये। देखो 9th वाला क्वेश्चन, उसने बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेफिनेशन को कौन सी रिएक्शन फिट बैठ रही है समाया। हमें देखना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हमने जो डेफिनेशन है वो घुसाई समाया, और आपको फटाक से आंसर मिल गया भाई। तो देखो पहले मैं डेफिनेशन ही बता देता हूं आप लोगों को, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी भाई। तो देखो अगर मैं बात करता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, डेल एच स्टैंडर्ड एफ समाया, ये जो जीरो है भाई ऊपर जीरो, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड समाया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तुम्हें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म करना है समाया, और किससे करना है, उन एलिमेंट से करना है जिन एलिमेंट से ये सब्सटेंस बना हुआ है समाया। तो मैंने बोला कि ये कुछ एलिमेंट से बना हुआ है समाया, तो मुझे इन्हीं एलिमेंट से क्या करना है, ये ऊपर वाला सब्सटेंस फॉर्म करना है, लेकिन ये एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो, कौन सी स्टेट में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो, रेफरेंस स्टेट में हो भाई समाया। तो देखो एक एग्जांपल प्यारा सा आपके लिए ले लेता हूं भाई, बहुत प्यारा एग्जांपल समाया, बहुत छोटा और बहुत प्यारा एग्जांपल, मुझे 1 मोल ऑफ CH4 बनाना है समाया, 1 मोल ऑफ CH4 बनाना है, लेकिन इसके जो एलिमेंट है यहाँ पे वो क्या है, कार्बन, और दूसरा क्या है हाइड्रोजन समाया भाई। अब मैंने बोला ठीक हो गया भाई, मुझे एलिमेंट पता चल गए, लेकिन वो एलिमेंट उनकी स्टैंडर्ड स्टेट यानी कि रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, तो जो कार्बन का स्टेबल मतलब घर वाला जो सिस्टम है वो कौन सा है भाई, वो ग्रेफाइट है समाया, सबसे स्टेबल स्टेट, जैसा आदमी अपने घर में बिल्कुल सुकून से रहता है ना, कार्बन का वो सुकून वाला स्टेट है ग्रेफाइट वाला स्ट्रक्चर समाया, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ग्रेफाइट समाया, ग्रेफाइट ठीक हो गया भाई। और जो हाइड्रोजन है
उसकी स्टेबल स्टेट क्या है, H2, और कौन से फॉर्म में, गैसियस। समझाया भाई, ये इसकी सॉलिड फॉर्म है भाई, समझाया। तो कितने H2 की जरूरत पड़ेगी, 2H2 की जरूरत पड़ेगी भाई, 2H2 की जरूरत पड़ेगी, समझाया। तो इस रिएक्शन में समझाया, इट मींस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाया, समझाया, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया, और वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने किस में होने चाहिए, रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए, समझाया। इस तरह एलिमेंट के फॉर्मेशन में जो भी एंथैल्पी चेंज हुई, दैट एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समझाया। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, क्या भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है भाई, समझाया। इस पे मैंने ऑलरेडी एक बहुत प्यारी वीडियो आपके लिए बनाई हुई है भाई, एक बार जाओ और उसे देख करके आओ, समझाया। तो देखो अब इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले इसने क्या बोल रखा है, सबसे पहले इसने बोल रखा है CO2। अब देखो भाई CO2, समझाया, CO2 किससे मिलकर के बना हुआ है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, समझाया। तो कार्बन का कौन सा फॉर्म लेंगे, रेफरेंस स्टेट लेंगे, जो क्या है, ग्रेफाइट। इसने क्या दे रखा है, डायमंड, पहला ऑप्शन गलत भाई, समझाया, क्योंकि इसने कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म यूज नहीं कर रखी, बस इतनी ही गलती है इसमें। सेकेंड ऑप्शन सही है, देखो क्यों, एक HF मेरे पास है, इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, H2 और क्या है, F2, समझाया भाई। और इसने क्या कर रखा है, H2 जो ले रखा है उसकी रेफरेंस स्टेट में ले रखा है, F2 भी उसकी रेफरेंस स्टेट में ले रखा है, समझाया, और 1 मोल ऑफ HF बन रखा है। तो यानी कि ऑप्शन जो बी है वो एग्जैक्टली सही होगा भाई, तो मैं इस पे एक लाल गोला मार देता हूँ, समझाया, इट मीन्स यही मेरा आंसर है। अब बाकी क्यों नहीं हुआ भाई, बाकी सब भी तो जानना है ना, या नहीं जानना है, देखो क्या करना है, तीसरा वाला देखो भाई, इसने 2 मोल ऑफ NH3 बना रखे हैं। अरे भाई ये डेफिनेशन से पहली बाहर है, क्या बोला था, क्या बोला था, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या करना है, फॉर्म करना है भाई, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म करना है, तो यानी कि ये डेफिनेशन से बाहर, तीसरा ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, समझाया भाई। अब चौथे ऑप्शन में क्या है, CO2 बनाना है भाई, समझाया, CO2 किससे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से। अरे भाई बना किससे रखा है, बना तो इसने CO से रखा है, समझाया, तो ऑप्शन ऐसे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो जो 9th वाला है उसका ऑप्शन बी है भाई, समझाया। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, तो नीट वाले बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को, समय उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना JEE वालों के लिए है भाई। देखो भाई 10वां क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत आसानी से होने वाला क्वेश्चन है भाई, समय इसने एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन क्या है, CO2 हमारे पास है गैसियस स्टेट में, ठीक हो गया, प्लस क्या है H2, वो भी क्या है, गैसियस स्टेट में, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, CO में कन्वर्ट हुआ ये, प्लस H2O गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक हो गया। अब देखो इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समझाया, किस किस का दे रखा है, CO2 का दे रखा है, किसका दे रखा है, CO का दे रखा है, और किसका दे रखा है, H2O का दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, -393.5 ये दे रखा है किलो जूल मोल इनवर्स में, ठीक हो गया। CO का कितना दे रखा है, -110.5 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक हो गया। और तीसरा दे रखा है -241.8 किलो जूल मोल इनवर्स, समझाया भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, समझाया, बिल्कुल खेल है ये क्वेश्चन। तो मुझे निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए भाई। उसने क्या बोला, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की, समझाया, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, समझाया। ये फॉर्मूला लगा डाला तो भाई क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, समझाया। तो देखो भाई, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कैसे निकालोगे, देखो वो निकालोगे देखो, रिएक्टेंट में क्या चीज है और प्रोडक्ट में क्या चीज है, पहले ये तो देखो, प्रोडक्ट में है CO, समझाया, और प्रोडक्ट में है H2O, तो पहले इसकी एंथैल्पी ही लिख लो भाई, समझाया, आधा काम खत्म। देखो CO की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो है -110.5, समझाया। H2O की कितनी है, वो है -241.8, समझाया भाई। ये तो हो गए प्रोडक्ट। अब बात आती है रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट में देखो भाई, CO2 का जो बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है वो ये है भाई, समझाया। तो लिखो इसे, लिखो कितना है, -393.5, समझाया।
और दूसरा जो है वो है H2। अब बात यही पकड़ लो भाई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि ये अपनी रेफरेंस स्टेट में है, अपने घर वाले स्टेट में है भाई, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। यहां से वो छठा वाला क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था ना, वो बन गया। समय, क्योंकि H2 अपनी कौन सी स्टेट में है? रेफरेंस स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? रेफरेंस स्टेट में। तो बताओ भाई, इतना कैलकुलेशन तो आप लोगों को भी करना आता है भाई। तो बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया भाई? कितना हो गया? आंसर लिखो। तो बताओ भाई कितना हो गया? ये आ गया -110.5 -241.8 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 393.5 आ गया। समाया, ओवरऑल जोड़ घटाना तो आप लोगों को आता है। समाया, तो देखो जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? तो देखो भाई, जो सॉल्व करने के बाद आया वो आया 41.2। क्या आया? किलो जूल मोल इनवर्स। समाया भाई, किलो जूल मोल इनवर्स। तो कितना, तो कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी एक्जैक्टली करेक्ट बैठ गया है। ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट बैठ गया है। समाया, तो इस क्वेश्चन में जो आपको की पॉइंट याद रखना है, वो की पॉइंट क्या है? वो की पॉइंट है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भाई, घोट के पी लो इस फॉर्मूले को। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये MSQ टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के सारे भी जवाब हो सकते हैं और एक क्वेश्चन का एक ही भी जवाब हो सकता है। समाया, तो ये MSQ वाले हैं, इसमें चाहो तो आप सब लगा दो या चाहो तो एक लगाओ, दो लगाओ या तीन लगाओ। समाया, तो देखो भाई, इलेवंथ वाला क्वेश्चन देखो भाई। समाया, इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए भाई। अगर MSQ सॉल्व करना है तो आपको एक या दो तुक्के से नहीं चलेगा, आपको उसका पूरा बेसिक्स जानना होगा। समाया, चलो भाई बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। समाया, अगला क्वेश्चन MSQ, मैंने आपको बोला है कि ये MSQ है, इसमें एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है। समाया, तो मैंने बोला है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है? अरे भाई, पहले पता तो हो कि एंडोथर्मिक क्या होती है। कौन सी रिएक्शन क्या है भाई? एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक। इस एंडोथर्मिक के लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है भाई। समय, बहुत प्यार से मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई है, एक बार जाओ और उस वीडियो को देखो। समय, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से। तो देखो भाई, देखो जो एंडोथर्मिक है इसका मतलब क्या होता है? मेरे पास एक रिएक्टेंट है, मैंने इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। समय भाई, याद रखना, इस ए को एनर्जी दी जा रही है। समय, इट मींस ये स्टेबल स्टेट में होगा। किसमें होगा? स्टेबल स्टेट में। समय, अगर घर में एक निकम्मा बच्चा पड़ा हो ना, तो माँ बाप उसको बार बार हिट करते रहते हैं, जा भाई काम कर, जा भाई काम कर। समय, सिमिलरली यहाँ पे जो ए है वो अपना क्या है? स्टेबल स्टेट में है, बिल्कुल निकम्मा है। समाया, तो मैंने उसको क्या की? एनर्जी दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। समाया, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है कि एक स्टेबल स्टेट को दूसरे, मतलब थोड़ा अनस्टेबल सब्सटेंस में भेजना पड़ता है, समाया, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार ग्राफ से भी देख लो एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसे आएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्टेंट है। समाया, वो निकम्मा बच्चा है। समाया भाई, अब तुमने उसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो वो क्या करेगा? वो किसमें? किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समाया, या वो काम, जैसे मैंने निकम्मा बच्चा बोला, तो वो क्या करेगा? काम करने के लिए घर से बाहर जाने लगेगा। समाया भाई, लेकिन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ धक्के मुक्के भी तो चाहिए उसके साथ। समाया भाई, तो उस एनर्जी को यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के टर्म में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। समाया भाई, तो जब ए को सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली जो उसके थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर गई, ये वाला, समाया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। तो याद रखना, ये है यहाँ से और यहाँ तक बी के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। समाया, और ये एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेम अगर एक्सोथर्मिक होता तो ये क्या होता? नेगेटिव। तो देखो भाई, अब मुझे देखना है इसमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। समाया, आपको मैंने बता दिया एंडोथर्मिक क्या होता है। ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो देखो भाई। समाया, तो देखो, सबसे पहली रिएक्शन है कंबस्शन ऑफ मीथेन।
जैसे ही मैंने कंबस्शन पढ़ा भाई थक गया हूं मैं बता बता करके, जो कंबस्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, जब किसी चीज को जलाओगे, जब किसी चीज को भूनोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा समाया, यानी कि जिस रिएक्शन में लास्ट में एनर्जी निकलती है दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक समाया। और अगर किसी चीज को तुम एनर्जी दे रहे हो तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि कंबस्शन जो है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। पूछा क्या है भाई? पूछा है इसने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक थोड़ी ना पूछा है। देखो अगला बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। H2O है, कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। बोल रहा है ये कन्वर्ट हो गया है किसमें? H2+O2 में। समाया हाफ O2 होगा, ये भी गैस बनेगा और ये भी क्या बनेगा? गैस बनेगा। समाया भाई, तो देखो H2O जो है ना इतना आसान नहीं है उसे तोड़ना। समाया उसके लिए उसे हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। कितनी हीट देनी पड़ती है? 285 kJ mol 1। समाया भाई इतनी हीट देनी पड़ती है। अरे भाई जब हीट देनी ही पड़ती है तो रिएक्शन कौन सी हो गई? रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक। क्या हो गई? एंडोथर्मिक। समाया ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा सही हो गया है। MSQ है तो और भी आंसर हो सकते हैं भाई। समाया डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन। अरे भाई पहले इथेन बनाओ, यहाँ पे ये है एच 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 और एच और एच। समाया भाई इसमें उसने डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट डाला। समाया भाई कौन सा एजेंट डाला? डिहाइड्रोजिनेटिंग मतलब जिसने एच और एच को उखाड़ करके क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। समाया तो ये एच और ये एच क्या हो जाएगा? बाहर। तो क्या बना? बना सी डबल बॉन्ड सी और बना एच एच और ये क्या है? एच और एच। ठीक हो गया भाई। ये क्या है? ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड। ठीक हो गया भाई। अरे भाई सिंगल बॉन्ड अपने आप में बहुत खुश है भाई। समय उसे नहीं कन्वर्ट होना डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड आते ही स्ट्रेन आ जाता है भाई मॉलिक्यूल में। तो इट मींस किसी स्टेबल चीज को धक्का मुक्की करके किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे रहे हो। समय तो एनर्जी क्या की जा रही है? एनर्जी दी जा रही है, और जहां पे एनर्जी दी जाती है वो क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक। इसका मींस जो ऑप्शन सी है वो भी एग्जैक्टली ठीक है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं डी की। समय भाई डी काफी इंपॉर्टेंट है। डी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है डी। क्या बोल रहा है? तुम्हारे पास है ग्रेफाइट। क्या है भाई? ग्रेफाइट। समाया ठीक हो गया। और उसको बदल ले हो किसमें? डायमंड में। किसमें बदल दे रहे हो? डायमंड में। पहले ही बता चुका हूं कि क्या कार्बन की जो जगत जननी है वो क्या है? ग्रेफाइट है। जो उसका नेचुरल फॉर्म है वो क्या है? ग्रेफाइट फॉर्म है। समाया तो उसका माँ बाप भाई बहन सब कौन है? ग्रेफाइट है भाई। क्या है? ग्रेफाइट है। तो किसी स्टेबल को किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हो? अनस्टेबल में कन्वर्ट कर दे रहे हो। किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हो? अनस्टेबल में। अरे भाई अनस्टेबल में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? एनर्जी दे रहे हो तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। समाया तो बताओ भाई डी भी सही हो गया। समाया ये तो ठीक हो गया भाई कि डी भी सही हो गया। समाया तो ये जो क्वेश्चन करवाए ना मैंने आपको, उसके थ्रू आपको क्या हो रहा है? उसके थ्रू आपको एक नॉलेज मिल रहा है, एक बेसिक बन रहा है कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ठीक है ये भी होता है। समाया तो जो क्वेश्चन करवाए वो जेई में तो आए हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नीट वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। समाया कितनी छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें करके एक बड़ा सा बेसिक आपके लिए बना दे रहा है। समाया भाई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी भाई। अगर नहीं भी आई तो भी देखो समाया, क्योंकि हमें क्या करना है? रैंक लानी है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।